जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज मैथ का जो है ना क्लास तीसरा क्लास है, और आज जो बाकी था ना भिन्नों की तुलना उसको कंप्लीट करते हैं। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। देखिए, भिन्नों की तुलना का मतलब कौन छोटी भिन्न है कौन बड़ी भिन्न है उसी के बारे में डिसाइड करना है कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, ठीक ना। तो पहला मान लीजिए, जब पहले टाइप, कई टाइप का, चार पांच टाइप का है तो कंप्लीट कर देते हैं, चार पांच टाइप, ठीक ना। तो अब टाइप वन मान लीजिए, टाइप वन, जब सभी भिन्नों का अंश बराबर हो, सभी भिन्नों का अंश, बराबर हो, जैसे 8/15, 8/17, 8/19, 8/21। जब ऐसी भिन्न हो तो इस भिन्न में पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन है। तो सबसे आसान यह है, आसान इसलिए है यह कि जब सबका अंश जब बराबर है ना, अंश बराबर, तो उसमें यह डिसाइड देखेंगे कि जब अंश सबका बराबर है तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे कौन होगी। तो बड़ी भिन्न इसमें से बता सकते हैं कौन होगी, मैं बता दूंगा। 8/15 है, वो कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए। ऊपर वाला के ना मान लीजिए कि ई जो ना 8 बीघा खेत था, बीघा, ठीक ना, ऐसे समझ में आएगा, बीघा 8 बीघा खेत, 8 बीघा, ठीक ना। तो अब इसमें 8 बीघा का इंद्र 15 गो लड़का बाड़ा, ई 17 गो इनका लड़का बाड़ा, इंद्र 19 लड़का बाड़ा, इंद्र 21 लड़का बाड़ा, तो के का ढेर हिस्सा आएगी। जेवना का हर, जिसका हर सबसे कम रहेगा वही उसी का हिस्सा ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसी तरह ये जो 8/15 जो है सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और सबसे छोटी भिन्न मतलब जेकर हिस्सेदार ज्यादा हुए हैं, तो फिर भाई 8 बीघा खेत, 8 बीघा में 21 लोग, तो उसका हिस्सा कम लगेगा ना, इसलिए वो छोटी भिन्न हो गई, इसलिए यह सबसे छोटी भिन्न हो गई। समझ में आ गया कि पहला टाइप है, सभी भिन्नों का अंश जब बराबर हो, जब सबका अंश बराबर हो तो वो भिन्न छोटी बड़ी कैसे होगी, तो जान गए आप, ये सिंपल था। और दूसरा देखते हैं, जब हर समान हो, तो क्या करेंगे, दूसरा टाइप। जब हर समान हो, जब हर समान हो तो इसमें डिसाइड करेंगे कैसी भिन्न है ना। तो बाईस बटा 45, 27/45, 29/45, 35/45, ये सवाल है। तो अब इसमें देखना है, जब हर समान हो तब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, जब हर समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी। तो ये तो और भी आसान है, जब हर समान है ना, जब सबका हर समान है मतलब ऊपर नीचे वाला ये जो है ना, सब ये समान हो, तो अब यह देखना पड़ेगा। अच्छा, जितनी घरे 45 लोग हो, मतलब सबके घरे 45 45 लोग हो, बात समझे, अब उनकी पास जेकर खेत सबसे ज्यादा रही, वही ना ज्यादा हिस्सेदार हिस्सा लगी वही का ना। तो इसमें क्या देखना है कि जो सबसे बड़ी भिन्न, जब हर समान हो तो जो सबसे बड़ी भिन्न है वही, जो सबसे बड़ा अंश है जिसका, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, यही हो जाएगी 35/45, क्योंकि
इसका अंश जो है ना सबसे अधिक है, समझ गए, इसका अंश जो है सबसे अधिक है, इसलिए ये भी सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी ग्रीस में कौन हो गई? यही होगी 22/45, समझ गए। जब हर समान हो, जब हर समान हो तो इसमें छोटी बड़ी तो समझ गया। अब कंडीशन क्या हो जाएगा ना, अब हर और यह हर और दोनों असमान रहे, दोनों समान ना हो तब क्या करते हैं, ठीक ना। न अंश और न हर कोई समान ना हो, अंश और हर दोनों समान ना हो, दोनों समान ना हो तब कैसे होगा? यह देखिए, सवाल जो है 17/19, 9/11, 13/15 और 15/17। अब देखिए अंश और हर दोनों समान न तब क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अब देखिए ना कि दोनों में डिफरेंट कितना है, 17 और 19 का डिफरेंट, 9 और 11 का डिफरेंट, 13 और 15 का डिफरेंट, 15 और 17 का डिफरेंट, कितना डिफरेंट है, दो दो डिफरेंट है, दो 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 दो। तो अब इसमें क्या करेंगे ना, जो अंश है अंश को सेम उसी तरह छोड़ देंगे, अंश को उसी तरह रहने दीजिए, अंश जो है ना 17 जो है इसको 17 रहने दीजिए, लेकिन जो हर क्या करना है ना, जो डिफरेंट है उसी को हर बना दीजिए, दो राइट, समान आया ना, जो इसका डिफरेंट जो है ना समान है, सबका डिफरेंट समान है, जब सबका समान तो 17/2 और फिर 9/2, 13/2 और 15/2 हो गया। अब इसमें कैसे मालूम चलेगा सबसे बड़ी गिन कौन है? भैया जब सबका हर बराबर हो गई तो जो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा अंश होगा वो भी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो अंश जो है सबसे बड़ा किसका है, यही है 17/19 है ना, और सबसे छोटी भी यही है 9/11 सबसे छोटी भी, समझिए ना, ऐसे कैसी चीज लगता है, ऐसे जो बड़का है ना बड़का, तो बड़का के लोग जो बड़ आदमी रहे वहां तरफ बॉडीगार्ड चले, वहां से एक से अधिक लोग चलते हैं, चलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर दो मुंह है, मतलब एक तरफ एक, दो मुंह है, एक तरफ एक, एक जना हुआ मतलब छोट भाई बड़, समझ में आ गया कंफर्म, अंश और हर दोनों समान ना, इस मान लीजिए डिफरेंट इसमें बराबर आ रहा था, अब डिफरेंट बराबर ना उसके लिए देखते हैं, ये कौन हो गया टाइप थ्री हो गया ना, हाँ टाइप थ्री हो गया, अब देखते हैं टाइप फोर, टाइप फोर, टाइप फोर क्या है, और डिफरेंट ना हो चार बटा छ, 1/4, 11/12, 6/14। अब ऐसी दिन हो तो अंश और समान हो तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोसेस बढ़ जाए तो कोई मतलब नहीं, हो जाएगा। देखिए क्या करना है, इसका डिफरेंट ना पड़े, देखिए डिफरेंट कितना है इसका, 2 का डिफरेंट, इसका डिफरेंट 3 का डिफरेंट है, इसमें 1 का डिफरेंट, इसमें
आठ का रखना है, 8 साल 14। ठीक, डिफरेंट है, समझिए आप। तो अब इसको क्या करेंगे आप कि चार आंस को तो आंस रहने दीजिए, जो आंस है ना आंस को रहने दीजिए, और जो डिफरेंट है आने से निचवा ले दीजिए। 400 का डिफरेंट कितना हो गया? 2। अब इसका डिफरेंट कितना है? 1 आंस है, छोड़ दीजिए, डिफरेंट कितना है? 3 है। और इसमें देखिए ये जो आंस को 11 है, डिफरेंट कितना है? 1 है। और इसमें आंस कितना है? 6, डिफरेंट कितना है? 8 है। बस नोट कर लीजिए, हो गया। तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा एक प्रोसेस और करना पड़ेगा। देखिए और भी तरीके हैं, लेकिन यह तरीका है ना सुटेबल तरीका है, और शार्ट तो बट है ही है, इससे और शार्ट देखने की कोशिश करेंगे ना तो आपको ब्रेन बहुत तेज करना पड़ेगा, ब्रेन मतलब बहुत तेज करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना ये एकदम कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंस और हर का डिफरेंट, आंस और हर का जो डिफरेंट है उसको हर में आप लिख दे रहे हैं, जब लिख दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है। और इसको बस थोड़ा सा एक प्रोसेस यह कर देना है, इसको भाग देना है, कितना हो जाएगा? 2 गुना 4, यह कितना हो जाएगा? 3 3 10, ये कितना होगा? 11 हो जाएगा। यह कितना होगा? 8 7 8 7 10। यही हो गया। तो अब इसी में से डिसाइड करिए सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न यही मिल गई, 11/12 हो गया ना, 11/12। और इसके बाद 7 हो गया, या 6/14, समझ रहे हैं आप? ये जो 7 है, अरे नहीं यार दशमलव में है ना, जो दशमलव में नहीं हो, यह 4/6 है। इसके बाद इसमें बड़ी दुनिया है, 6/14, और सबसे छोटी बिन 1/4, ठीक ना? यह हो गया, समझ रहे हैं आप? बस एक स्टेप पे क्या कर रहा है, देखिए इसमें आप भाग देंगे ना तो प्रॉब्लम है, सीधा कुछ नहीं करना है, कोई भी भिन्न हो सीधी सी बात, कोई भी भिन्न हो वो भिन्नवा के ना डिफरेंट निकालना, और वो डिफरेंट वा एकदम हर बना दीजिए। जब हर बना देंगे ना एकदम सिंपल भिन्न हो जाएगी, और उसमें तुरंत भाग देंगे, ये बहुत आसान है, ये जो है बहुत आसान है। और दूसरा और ट्रिक खोजने जाएंगे ना तो सारा चौपट हो जाएगा, ज्यादा ट्रिक ना खोजिए, ये सिंपल ट्रिक है, अभ्यास में आ जाएगा ना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ गए? ज्यादा के चक्कर में ना पड़िए। तो अब यह जो ऐसे हो गया, लेकिन इसमें क्या है ना भैया कि एक और सबसे बड़ी भिन्न तो यह हो गई, उससे छोटी यह हो गई, 6/14 1/4। अब इसमें क्या करना है ना कि आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है देखिए, और आरोही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है ना कि बड़का से बड़ से छोट की तरफ, बड़ा से बड़ा भिन्न से छोटे की तरफ, जैसे 8 7 6 5 4, समझ गए ना? यह हो गया अवरोही क्रम। और एक होता है आरोही क्रम, क्या है आरोही क्रम? आरोही क्रम कैसे होगा? छोटा से बड़ा, छोट से बड़, छोटे से बड़े की तरफ, यह कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7, समझिए? यह हो गया आरोही क्रम। तो अब इसी को आप कैसे सजाएंगे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, यह देखिए। तो अब इसमें मालूम चल गया ना सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो अब यह जो लिखा है ना यह भारत जो है अवरोही क्रम, इसी को लिखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब कि जेवन सबसे बड़का, बड़का यानी कौन है? 11/12, 11/12 जो है सबसे बड़ा है ना,
और वही 11/12 मतलब बड़का से छोटका की तरह सबसे बड़का ई। तो अब जो चिन्हवा है ना ऐसे ऐसे रहेगा क्योंकि बड़ा है ना 11/12। अब इससे छोटा क्या है 4/6 है, यह 4/6 है। और यह तो बड़ा है ना, जो इधर वाली संख्या है उससे बड़ा होगा, तो इसके बाद कौन सी है 6/14। और यह किससे बड़ा है, यह बड़ा है 1/4 से। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। तो यह हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब कि बड़ से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, आरोही मतलब नीचे से ऊपर, समझ गए। तो अब इसी को करते हैं आरोही फॉर्म में लिखते हैं, इसी को लिखिए आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या करेंगे कि सीरियल से लेंगे ना, सीरियल से छोटे से और नीचे से ऊपर। तो नीचे का है 1/4, 1/4 जो ना 6/14 से बड़ा कि छोटा है, छोटा है 6/14 से, तो एक छोटका की एक तीर हो जाएगी, अब बड़का की दो तीर, समझ रहे हैं ना। इसके बाद 1/6/14, इसके बाद यह किससे छोटा है 4/6 से। अब यहाँ पर 11/12 लिख दिए तो तिरिया किधर रहेगा, तिर किधर रहेगा, तिर इधर रहेगा, ऐसे बढ़ रही है ना, तेरी तरफ दुम बुम हो रही है, समझ गया है। वो की तरफ ढेर बतिया वाला आदमा बढ़कर के क्यों बतिया वाला ना हो रहा है। तो एक टाइप फोर हो गया ना। अब एक है टाइप फाइव। टाइप फाइव में क्या है, टाइप फाइव टाइप फाइव मतलब अनुचित भिन्न बा, अनुचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब ना कि जौना का अंश जो ना बड़ होते, पढ़ाया हम अंश भिन्न ना, 7/5, 9/5, 13/60, 19/17, समझ गए ना। 7/5, 9/5, 13/60, 19/17 अनुचित भिन्न में। हम बताया हूं कभी भी भिन्न का फॉर्म जो है ना वो उचित भिन्न में होना होना चाहिए, न कि अनुचित भिन्न में। वैसे अनुचित भिन्न का नहीं आता है सवाल, अनुचित भिन्न कोई बनाता नहीं है, लेकिन बन गया अनुचित भिन्न तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसको और वही क्रम में, और वही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल फार्मूला है भिन्न का, सबसे सिंपल फार्मूला कि दोनों का डिफरेंट, आंश का और हर का डिफरेंट कर दीजिए। तो इसका डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट 4, इसका डिफरेंट 6, इसका डिफरेंट 2। तो अब जो डिफरेंट हुआ ना जमाना का, तो आंश को तो ऐसे ही रहने दीजिए, आंश ऐसे हो गया, डिफरेंट क्या है 2, ऐसे कर दीजिए। इसके बाद ये 9 है, इसका डिफरेंट 4, और इसका जो डिफरेंट कितना है 6/13, इसका डिफरेंट 2, 19/2। अब क्या कीजिए, इसमें एक स्टेप आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 ना, 4 × 8 10, 4 × 8 4 × 5 = 20, 6 × 12 6 × 12 1, ऐसे 6, फिर 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, समझ गए। तो अब इसमें यदि देखना है ना, यह देखना है, अब देखिए इसको सेट कीजिए। अब देखिए मैं बता रहा हूं इसमें क्या है ना कि J1 सबसे बड़ी भिन्न उस सबसे छोट, मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 19/17 ना भाई, ये अनुचित भिन्न है ना। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा सीधा, जैसे आप इसको 9.5 को इसको रखिए, मतलब सबसे बड़ा ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइए 9.5 सबसे बड़ा, 19/17 करा, 19/17। इसके बाद कम है 3.5 बड़ी, मतलब 7/5,
आपकी दोनों में कौन बड़ा? भाई 9/5 और यह तो 13/7। अब जान को भैया पूरा जो है इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी को जब उल्टा कर देंगे, जब उल्टा कर देंगे तो सबसे बड़ी भिन्न यह हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न 13/7 अब इस 9/5 ऐसे 7/5 19/17 सबसे छोट भिन्न, समझ गए? इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे अंशित भिन्न में तो सबसे छोट भिन्न बन गया। और इसी को यह किस फॉर्म में हो गया? यह हो गया और वही क्रम में, मतलब और वही क्रम का होगा और वही क्रम, और वही क्रम होता है कि जो सबसे बड़का होता है ना उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो और वही क्रम सबसे बड़ी यही ना है 13/7, सबसे बड़ा यही ना है 13/7, तो अब और वही मतलब सबसे बड़का, ओकरी बाद 9/5, ओकरी बाद 7/5, अब उसके बाद 19/17। अब इसी को लिखेंगे आरोही क्रम में, इसी को लिखेंगे आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो अब जो हो जाएगा, जब सबसे छोटका हो सबसे पहले हो जाएगी 19/17 ऐसे हो जाए छोट की तरफ एक के मुंह रहेगा ना 7/5, अब 9/5 13/7 इसमें कौन सा चिन्ह रहेगा? ऐसे चिन्ह दिखाएंगे बड़ा 13/7 ना, तो यह हो गया भिन्न का तुलना। तो यही है आरोही क्रम अवरोही क्रम, छोटी बड़ी भिन्न आप समझना जान गए, एकदम डिफरेंट निकाल दिए दोनों का डिफरेंट, और एकदम कुछ शर्माना मतलब कुछ अब इससे ज्यादा आप कोशिश ना कीजिए कि ना ही एकदम ट्रिकवा कर ले एकदम पूरा तुरंत हो जाए, तुरंत नहीं होता है, जो बताया ना ये बहुत सिंपल विधि है और यही कीजिए, और ज्यादा दिमाग ना लगाइए, जितना मैं बताया ना उतना ही दिमाग लगाइए, और इसके बाद एकदम पूरा भिन्न का आपका एकदम सवाल कंप्लीट, आज भिन्न का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे मैथ का, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।